हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BTL & CNC प्रोग्रामिंग में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कैडेट साइकिल के बारे में, G75 में जो पैटर्न रिपीटिंग साइकिल होती है उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों हमने ये ड्राइंग बनाई है जो हमें फिनिश पार्ट का जो बनाना है प्रोग्राम G75 में रिपीटिंग साइकिल में, उसके लिए हमने ये बनाया है। इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों हम प्रोग्राम बनाएंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आप भी स्टार्ट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। दोस्तों हमने ये फर्स्ट आया है दोस्तों हमारा 360 का है, सेकंड आया है 400 का है, और जो थर्ड आया है मैक्सिमम वो 500 का है। इसमें हमारी फर्स्ट लेंथ है वो 30 की है, सेकंड है वो है 20 की, और जो थर्ड है वो 40 की है, जिसमें हमारा ये 45 का इसमें एंगल भी है 20 mm की लेंथ में, और ये एक रेडियस है 5 का और ये 10 का। दोस्तों इसी का हमें आगे प्रोग्राम बनाएंगे। दोस्तों तो सबसे पहले दोस्तों हम प्रोग्राम नंबर क्रिएट करते हैं, वो O0012Y। इसके बाद दोस्तों हम पोजीशन के लिए G28U0.0W0.0। इसके बाद दोस्तों टूल नंबर जो हम सिलेक्ट करेंगे टूल 808, 8 नंबर दोस्तों हम यूज करेंगे टूल। इसके बाद दोस्तों आएंगे हम G92 एस 300। दोस्तों G92 मैं आपको हर बार बताता हूँ, हर एक प्रोग्राम में बनाता हूँ जब भी, तो G92 जो होता है हमारा मैक्स स्पेंडल की स्पीड जो होता है उसको प्लान करने के लिए होता है कि मैक्स आरपीएम क्या चलाएंगे उसके लिए। इसके बाद दोस्तों G96 एस 200 M03। दोस्तों इसके बाद दोस्तों ये हमारा मोमेंट M03 में करेगा चेक। इसके बाद G40 रेडियस कंपेंसेशन कैंसिल के लिए होता है, G71 लगेगा दोस्तों इनपुट MM के लिए, G90 दोस्तों एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए होता है ये। इसके बाद दोस्तों हम G0, तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, हमारा टूल यहाँ से काटने का दोस्तों हम, यानी ये 10 mm के लगभग इसको छोड़ देंगे, इसके ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हमारा जो मैक्सिमम आया था होता 500, तो एक्स 508 जेड माइनस, दोस्तों जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमारा जेड माइनस कितना होगा 30 20, और इसको हम 30 लेंगे तो ये 50 और 30 80 हो जाएगा दोस्तों, माइनस 80 M08 दोस्तों फुल एंड राउंड हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों हमने ये 500 से थोड़ा पीछे टूल को हटाया है, थोड़ा पीछे है। इसके बाद दोस्तों हम कैडेट साइकिल जो हम यूज करेंगे वो डालेंगे, कैडेट साइकिल हमारी G75 होगी पैटर्न रिपीटिंग के लिए। तो इसके बाद G75 ये हमारा ग्रुप सी का कोड है G75। इसके बाद U W R, दोस्तों U W R ये दोस्तों हमारा क्या होता है, ये U को जो हम यूज करेंगे ये हमारा एक्स में जो मटेरियल होगा टोटल हमें कितना मटेरियल काटना है,
तो हम मान लो दोस्तों इसमें 5 या 6 mm हमारा मटेरियल है एच में, इसमें 6 mm है दोस्तों, मान लो इस पे पूरे पे हमारे पे 6 mm मटेरियल है एक्स में, और जेड में है, जेड में भी 6 mm मान लेते हैं, तो फेस पे भी 6 mm है, इस एंगल पे भी है और इस वाले फेस पे भी है 6 mm। तो दोस्तों हम जो यहाँ पे ये हमारा दोस्तों ये जो यू में जो वैल्यू पड़ेगी ना वो हमारा रेडियस में पड़ेगी, रेडियस में पड़ेगी, तो हमारा जो 6 mm और मटेरियल है 3 mm आएगा, यानी डेप्थ ऑफ वो डेप्थ ऑफ कितना होगा टोटल 3 mm आएगी दोस्तों, और W में आएगी दोस्तों जो हमारा 6 mm था वो, आप दोस्तों होता है हमारा नंबर ऑफ कट के लिए हम नंबर ऑफ कट कितने लगाएंगे दोस्तों, तो हम नंबर ऑफ कट 5 या 6 1 mm का लगाना है 2 mm का लगाना है, तो हम दोस्तों यहाँ पे 1 mm का ही लगाएंगे, तो हम यहाँ पे 6 डाल देंगे, ये दोस्तों हमारा 6 mm मटेरियल यहाँ पे है, 6 mm यहाँ है जेड में भी 6 mm है, एच में भी 6 mm है काटने के लिए, तो हमारा नंबर ऑफ कट यानी 6 कट हमने दिए हैं, इसमें हमारा जो पैटर्न रिपीटिंग जो साइकिल चलेगी वो 6 बार में ये वाला टर्निंग करेगी पूरा, तो हमने ये टोटल रेडियस में डाल दिया है वैल्यू, और ये है हमारी जेड की वैल्यू, ये है नंबर ऑफ कट। इसके बाद दोस्तों स्टार्ट करते हैं G75। P, Q, U, W और ये F दोस्तों। P दोस्तों क्या होता है, ये हमारा ये तो हमारी कैनेट साइकिल है, इसका कोड है CG75। इसके बाद P दोस्तों P क्या होता है हमारा फर्स्ट ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक जो सुटकेज नंबर होगा फर्स्ट ब्लॉक का वो हम पी में डालेंगे। अब दोस्तों जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम बनाना N10, तो ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक हो गया है, तो फर्स्ट ब्लॉक जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक का सुटकेज नंबर हमने N10 से डाला है, तो वो पी की वैल्यू में यहाँ है P10 लिखते हैं। ऐसे दोस्तों ये हमारा लास्ट ब्लॉक के लिए होता है, क्यों जो हम लास्ट ब्लॉक जो भी डालेंगे उसमें N11 डालेंगे या N20 डाल सकते हैं, तो वो लास्ट ब्लॉक के लिए सीक्वेंस नंबर जो हम डालेंगे वो क्यू में रखेंगे। और दोस्तों ये हमारा यू जो होता है जो हम फिनिशिंग अलाउंस के लिए होता है, हम फिनिशिंग अलाउंस में कितना मटेरियल छोड़ेंगे, तो फिनिशिंग अलाउंस में दोस्तों हम 0.5 या 0.1 0.2 जितना भी मटेरियल छोड़ेंगे वो U की वैल्यू में रख देंगे, और W की वैल्यू में जो जेड में मटेरियल छोड़ेंगे फिनिशिंग अलाउंस के लिए वो जेड की वैल्यू में रख देंगे। फीड जो हम लगाएंगे दोस्तों फीड 0.2 की अगर यूज करेंगे तो 0.2 लिख देंगे, 0.25 की यूज करेंगे तो 0.25 कर देंगे, हमने 0.2 यूज करेंगे तो 0.25 कर दी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, इसमें हमारा जो फर्स्ट है हम यहाँ से कटिंग करेंगे दोस्तों, तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो रहेगा फिनिशिंग का वो एक्स 500 हमारा फर्स्ट टूल यहाँ पे आएगा 500 पे जेड माइनस के 80 था दोस्तों, 80 रखेंगे यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे टूल एक साथ आएगा, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे G01 लगेगा पहले G01 एक्स 500 जेड 80 G01। इसके बाद दोस्तों हमारा टूल यहाँ पर रहेगा, इसके बाद हमें ऊपर की साइड जब जाएंगे लेके टूल को, तो ऊपर ये हमारा 5 का रेडियस है,
तो हमारा फाइव का रेडिएशन तो यहाँ पे फाइव यानी कम कर देंगे तो ये जेड माइनस के 55 हो जाएगा, यहाँ तक जाएगा ऊपर तक। इसके बाद दोस्तों अब हमारा जो रेडियस लगेगा वो उल्टा लगेगा कुछ इस टाइप से, यानी एंटी क्लॉक वाइज लगेगा। G03 लगाएंगे, G03 जो हमारा x की वैल्यू दोस्तों है वो x की वैल्यू ये 4, ये हमारी 500 थी, वो 500 पाए 5 का रेडियस है तो हमारा रेडियस 5 का है, तो हमारे x की वैल्यू डबल हो जाएगी। तो हमारा 5 का 10 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे x 490, जेड दोस्तों हमारा कितना है 50 हो जाएगा, जेड माइनस के 50 और 5 का रेडियस था, तो ये दोस्तों यहाँ से कटिंग होके करके ये इस पॉइंट पे आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आया हमारा था 400, तो हम G01 एक्स 400 पे आ जाएंगे, हमारा कटिंग करके दोस्तों टूल इस पॉइंट पे आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा एंगल है, तो एंगल का जो हमारा फर्स्ट जो फर्स्ट आया था वो 360 का दिया है, 20 की लेंथ है, तो यहाँ पे दोस्तों हम G01 एक्स 360 जेड माइनस के 20 का दोस्तों हमारा एंगल का लेंथ है 45 में, तो हमारा ये 30 वाली लेंथ है वो डाल देंगे यहाँ पे जेड माइनस 30, ये हमारा यहाँ से चल के टूल यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारा जो ये फर्स्ट आया है वो बनेगा G01 जेड माइनस, तो हम ऊपर जाएंगे 10 का रेडियस है दोस्तों, तो हम यहाँ पे लेंथ है 10 जेड एंड इसके बाद दोस्तों इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों हमारा यहाँ से, इसके बाद रेडियस लगाएंगे दोस्तों G03 दोस्तों। दोस्तों हमारा 10 का रेडियस है x, x की वैल्यू दोस्तों 10 का रेडियस है 20 एम, तो हमारा ये x 340 हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा 10 का रेडियस है तो जो हमारे x की वैल्यू है वो डबल हो जाएगी, तो वहाँ ये 360 का लाया था तो हम 20 कर यहाँ 340 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जेड 0 हो जाएगा, हमारा टॉप फेस पे आ जाएगा सबसे ऊपर रेडियस लगा के। इसके बाद दोस्तों आर 10 का रेडियस था तो हम आर 10 लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों G01 एक्स, एक्स की वैल्यू जो दोस्तों रहेगी वो हम माइनस में चले जाएंगे, एक्स माइनस 1.8 दोस्तों, जैसे भी हम 0.8 की इंसर्ट यूज करेंगे जो, या 0.4 की या 0.8 की करते हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ा माइनस में चले जाएंगे जिससे हमारे बीच में सेंटर पे पॉइंट ना बचे इसके लिए। इसके बाद दोस्तों हम G0 एक्स 508 W2 दोस्तों यहाँ से हमारा टूल जब वापस जाएगा तो हमने यहाँ पे वापस आया जाएगा 2 mm ऊपर जाके और 508 थोड़ा 2 mm और यहाँ पे x में आ जाएगा इस वापस इस पॉइंट पे। इसके बाद दोस्तों हम इधर लिखते हैं N20 दोस्तों, तो दोस्तों जो हमारा N20 है ये लास्ट ब्लॉक है, तो हमने ये N20 यहाँ पे लास्ट ब्लॉक लिख दिया है दोस्तों। N20 जो लास्ट ब्लॉक था वो ही हमारा Q की वैल्यू आएगी, तो हम यहाँ पे G0 एक्स 508 दोस्तों, ये हमारा जो फर्स्ट जो हमने डाला था वही वैल्यू यहाँ पे भी डाल देंगे, जेड माइनस के 80
दोस्तों ये टूल हमारा फिर वापस इसी पॉइंट पे आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम जो प्रोग्राम को एंड कर देंगे यहाँ पे जी 0x600z100+M09 दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हमारा टूल है वो वापस ऊपर चला जाएगा, थोड़ा हट जाएगा और स्वयं ऊपर चला जाएगा, M09 फुल एंड ऑफ हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों G28 होम पोजीशन के लिए दोस्तों U0W0M05 दोस्तों हमारा यहाँ पे स्पेंडल ऑफ हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों M30 दोस्तों इसमें फिर क्या होता है यहाँ पे टूल हमारा वापस होने का होम पोजीशन हो जाएगा, M30 हो जाएगा दोस्तों। ये वैल्यू हमारी फिनिशिंग अलाउंस के लिए हमने छोड़ रखी थी 0.2 और एक्स में और जेड में भी 0.2 छोड़ रखी है दोस्तों, और फीड हमारी है ही ये ठीक है दोस्तों। हमारा जो P10 रहता है वो फर्स्ट ब्लॉक जो हमारा होता है सीक्वेंस नंबर N10 वो हम P की वैल्यू में डालेंगे, और Q की जो हमने Q है वो लास्ट ब्लॉक जो हमारा सीक्वेंस नंबर है वो N20 है, तो हम यहाँ पे Q20 डाल देंगे दोस्तों। ये हमारा दोस्तों U की जो वैल्यू होती है ये हमारा डेप्थ ऑफ कट में लिखते हैं, जो हमारा 10 mm है, 20 mm डाया में 20 mm मटेरियल है, तो हम यहाँ पे यानी डेप्थ ऑफ कट में लिखेंगे तो हम यहाँ पे 10 mm लिख देंगे आप नम। और ये जेड में जो हमारा मटेरियल होगा 5 mm 10 mm जो भी होगा वो हमारा यहाँ पे 10 mm है 10 mm लिख देंगे, 5 mm है तो 5 mm लिख देंगे। ये दोस्तों हमारा ये नंबर ऑफ कट है, तो यहाँ पे हम जो भी हम चलाएंगे या एक बार में ही फिनिश करेंगे, दो बार में फिनिश करना है, तीन बार में फिनिश करना है, तो हम वो यहाँ पे भी लिख देंगे दोस्तों R6 में ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस टाइप से हमारा ये प्रोग्राम इसका पीस का बनेगा दोस्तों। तो ये हमारा फर्स्ट डाया था वो ये 360 400 500 वो हमने ये लिख दिया है दोस्तों। ये हमारा फर्स्ट डाया था, ये सेकेंड आया है, सेकंड आया ये था, थर्ड आया ये है दोस्तों ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार से हम दोस्तों ये कैनेट साइकिल बनाएंगे पैटर्न रिपीटिंग की G75 में। दोस्तों आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और चैनल को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।